देखिए इधर आए दिन जो रास्ता बंद होता था, इस रास्ते के बंद होने के कारण जहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, इस तकलीफ के कारण जो है इन लोगों ने जब दो दिन से इन्होंने रास्ता बंद किया तो इन्होंने इधर आकर धरना दिया। और आज इस धरने के फलस्वरूप जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एडिशनल DC साहब, एडिशनल SP साहब, उनके सामने पूरे तहसीलदार और पूरे लोग इधर आए थे, और जो बातचीत हुई है वो बातचीत जो हुई है कल 11:30 के बजे 10 आदमी जाएंगे, जिसके अंदर में एक तो एडिशनल DC होंगे, एक एडिशनल SP होंगे, और एक उन्होंने मुझे बुलाया, और 7 आदमी इनके गांव के होंगे। वहां पर टेबल पर बैठकर बातचीत होगी, जो फैसला होगा वो कल इनको बता दिया जाएगा। आज इस गेट को खोल दिया गया है और परमानेंट सोल्यूशन के लिए जो है वो हमने बात की है, इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालिए। तो उन्होंने कहा कि कल आप आइए, हम क्या क्या चीज़ को बेसिस बनाएंगे, आधार कार्ड को बनाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनाएंगे या इलेक्शन कार्ड को बनाएंगे, वो चीज़ें जो है वो कल जाकर अकड़ासा टेबल फाइनलाइज होगी। और हमने ये उनके साथ में कहा है कि हम देश की सिक्योरिटी के साथ हैं, पर लोगों को जिनको आने जाने का कोई रास्ता नहीं है उनको आप या तो इंडिपेंडेंट कॉरिडोर दीजिए या उनको इस रास्ते से सहूलियत दीजिए आने जाने की, ताकि इधर में लोगों को जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। कुमार गुप्ता, कुमार गुप्ता।